हार्दिक पांड्या इस समय खराब दौर से गुजर रहे हैं, ना तो उनका बल्ला चल रहा है और ना ही उनके दिन। खराब फॉर्म के चलते पहले तो उन्हें टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया और अब दिन खराब चलने के कारण उनकी दो घड़ियों को एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने जब्त कर लिया है। उनकी इन घड़ियों की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दरअसल हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के साथ T20 वर्ल्ड कप के लिए UAE में थे। ANI के अनुसार टीम के साथ स्वदेश लौटने पर कस्टम विभाग ने उन्हें रोक लिया और उनकी महंगी घड़ियों को जब्त कर लिया। भारतीय ऑलराउंडर ने इन घड़ियों को न तो कस्टम सामान घोषित किया था और न ही उनके पास किसी के बिल थे। इस बात से तो हर कोई वाकिफ है कि भारतीय ऑलराउंडर पांड्या को घड़ियों का कितना शौक है। उनके पास पॉटेक फिलिप नॉटिलस प्लैटिनम 5711 सहित रेयर और सबसे महंगे ब्रांड्स की घड़ियों का कलेक्शन है। पिछले साल हार्दिक के बड़े भाई कृणाल पांड्या भी महंगी घड़ी के मामले में फंसे थे। उन्होंने भी कस्टम विभाग के साथ जानकारी शेयर नहीं की थी, जिसके बाद उनकी घड़ियों को भी जब्त कर लिया गया था। हार्दिक पांड्या के लिए T20 वर्ल्ड कप 2021 कुछ खास नहीं रहा। वो टीम में अपनी उपयोगिता साबित नहीं कर पाए, जिसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 T20 मैचों की घरेलू सीरीज से उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया है। वर्ल्ड कप के 5 मैचों की 3 पारियों में पांड्या 69 रन ही बना सके। न्यूजीलैंड के खिलाफ वेंकटेश अय्यर को पांड्या की जगह टीम इंडिया में शामिल किया गया है। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।